गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज, जैसे कि आप लोग अच्छे से पता ही होगा कि कल हमारी न्यू मून है, तो इस वक्त आप लोगों को बहुत सारे पेन मिल रहा होगा, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा होगा, कोई मिररिंग कर रहा होगा। अगर आपका ट्विन आपसे बात कर रहा है, या फिर आप दोनों की ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन अभी चल रही है ना, तो आपका ट्विन आपको बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग कर रहा होगा, ठीक है? या फिर अगर आपकी फैमिली में आपका कोई कार्मिक है ना, उनसे आपको कोई ट्रिगर मिल रही होगी, या फिर आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है ना, उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी रिसेंटली हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए गाइज, ये जो टाइमिंग है ना, फुल मून न्यू मून पोर्टल, ये एक एक पोर्टल होता है, जिस पोर्टल में जिस टाइमिंग में आपकी स्पिरिचुअल असेंशन स्टार्ट होती है, मतलब आपके अंदर आपकी सोल के ऊपर जो भी नेगेटिविटी होता है ना, जो भी वांटेड एनर्जी होता है, वो ट्रिगर होता है, ठीक है? ये कॉस्मिक एनर्जी होता है, जो एनर्जी आपके अंदर आके ऑटोमेटिक आपकी सोल को ट्रिगर करता है, ताकि आपकी जो सोल है ना, वो इवॉल्व हो सके, ठीक है? तो पेन, पर्जिंग, मिररिंग, ट्रिगरिंग, ये सब कॉमन है, ओके? तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको आपकी पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको रोना आ रही है, तो ये सब कॉमन है, ओके? क्योंकि ये जो न्यू मून है, फुल मून है, न्यू पोर्टल है, ये सब एक एक ऐसी पोर्टल होता है, जिस पोर्टल में आप डायरेक्ट डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब आपके अंदर डिवाइनल एनर्जी आता है, जो कॉस्मिक एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी आपके अंदर आता है डायरेक्ट, ओके? आपके अंदर जो भी गंदगी होता है, मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी होता है, जो वांटेड एनर्जी होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी वो एनर्जी को ट्रिगर करता है, ओके? मतलब ऑटोमेटिक आपके अंदर एक क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? तो अगर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रही है, तो आप रो लीजिए, क्योंकि ये आपकी अंदर की ब्लॉकेजेस है। हो सकता है कि आप इमोशनली पूरी तरह इम्बैलेंस है, ठीक है? तो आपको अपनी इमोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, ओके? आपको अगर आपकी पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें अभी भी चेस कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अपनी जो चेसिंग वाली एनर्जी है ना, आप अपने आप को उस चेसिंग वाली एनर्जी से बाहर निकालिए, ठीक है? क्योंकि वो जो पर्सन है, वो आप ही का सोल है, तो आप अगर खुद के साथ यूनाइटेड नहीं है, खुद के साथ अगर इनर यूनियन में नहीं है ना, तब तक आप उस पर्सन को ऐसे ही चेस करते रहोगे, ठीक है? एंड जब भी कोई ऐसी पोर्टल ओपन होगा ना, तो आपको वही चीज़ फिर से ट्रिगर करेगा, ओके? आप देखोगे, मतलब आप खुद थोड़ा याद करने की कोशिश करिए कि जब भी कोई न्यू मून या फिर फुल मून या फिर कोई पोर्टल आता है, तो उसी टाइम सडनली आपकी एनर्जी क्यों इम्बैलेंस हो जाता है, क्यों सडनली आपको आपका पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आने लगता है, क्यों आपको अचानक से रोने का मन करता है, क्यों आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचते जाते हो? क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है ना, ये डिवाइन का टाइमिंग होता है, ओके? मैं इससे पहले भी बताया कि उसी टाइमिंग में आपकी जो सोल है ना, आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है, आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है? ताकि आपके अंदर की जो कचरा है ना, वो साफ हो सके, ओके? क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो जब तक आपकी सोल पूरी तरह प्यूरीफाई नहीं होगा, तब तक आप कभी भी यूनियन में नहीं आ पाओगे, ठीक है? इस 3D में तो बिल्कुल भी नहीं, ओके? इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे ज़्यादातर फेमिनेंस होते हैं, जो बस इस 3D के पीछे भाग रहे हैं, मतलब आप लोग बस यही कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम, कैसे भी करके मेरी शादी मेरी ट्विन के साथ हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब क्या है गाइस? मैं बार बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस 3D में जो कुछ भी होता है ना, ये सब परमानेंट नहीं है, ओके? क्योंकि बहुत सारे जो शादियाँ हो रही हैं ना, आप लोग देखिए कि इस 3D में कितने सारे शादियाँ हो रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप बॉलीवुड में देखिए, मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो, देखिए, मेरा फेवरेट एक्टर है सलमान, मेरी फेवरेट जो एक्ट्रेस है वो है ऐश्वर्या बॉलीवुड में, ठीक है? तो इन दोनों को अगर आप देखोगे ना, ये दोनों ट्विन्स है, ठीक है? और आप देखिए, ऐश्वर्या की जो शादी है अभिषेक के साथ, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कितना ख़राब है, आप लोग देख रहे होंगे, ओके?
आप लोग जब तक अपनी एनर्जी को पूरी तरह क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर की वुंडेड एनर्जी पूरी तरह क्लियर नहीं होगी ना, जब तक आप डिस्टर्टेड एनर्जी से एक डिवाइन फेमिनिन नहीं बन जाओगे, एक डिवाइन मास्कुलिन नहीं बन जाओगे, तब तक आप अगर आपकी ट्विन से भी शादी करोगे तो भी आप दोनों की सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बस एनर्जी का कनेक्शन है। ओके, तो आप अपनी एनर्जी को पहले हील करना सीखिए। ओके, तो जिन लोगों को पेन मिल रही है ना, आप लोग देखिए कि वो पेन आपको किस चीज़ की वजह से मिल रही है। क्या आप इमोशनली पूरी तरह इम्बैलेंस है, मतलब आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर वो आपको कुछ बोल दिया है जिस चीज़ को आप सोच सोच के अंदर से आपको बहुत पेन फील हो रहा है। मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पर्सन अगर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है तो वो कैसे ऐसे मुझे बोल सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपकी फैमिली में आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है या फिर कोई कुछ बोल रहा है, तो आप देखिए कि वो पेन आपको किस चीज़ की वजह से मिल रही है, आपका कौन सा एनर्जी ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी इमोशन ट्रिगर हो रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपको आपकी हार्ट चक्रा पे ज़्यादा मेडिटेट करना है, ठीक है। आपको आपकी हार्ट चक्रा को पूरी तरह बैलेंस में लाना है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी इमोशन होता है ना, वो सब हमारी हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप आपकी चक्रा से खुद पता करिए कि आपको कौन सी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, आप आपकी करियर में कहीं पे स्टक हो गए हैं, आप आपके करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सोलर प्लेक्सस की जो एनर्जी है ना, ये आपकी मनी रिलेटेड होता है, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड जिन लोगों को इस जर्नी को लेके बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं ना, तो आप लोग अपनी थर्ड आई चक्रा को हील करिए और साथ साथ अपनी क्राउन चक्रा को हील करिए, ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को पहले हील करिए, जो भी ट्रिगर आपको मिल रही है ना, आप उन ट्रिगर पर काम करिए, ठीक है। ये सारे ट्रिगर जो है ना, ये आप आपकी चक्रा से खुद पता कर पाएंगे, आपकी एनर्जी से पता कर पाएंगे कि आपको कौन सी चक्रा हील करना है, ठीक है। चलिए गाइस, ये तो होगी थोड़ी सी गाइडेंस की, अगर आपको ट्रिगर मिलेगी ना, तो आपको किस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को कैसे हील करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों की एनर्जी के बारे में कि ये जो न्यू मून आ रही है ना कल, उसी टाइम आपकी एनर्जी किस तरह से रहने वाली है, ठीक है। आपकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड साथ साथ आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, देखिए गाइस, जो डिवाइन फेमिनेंस अपने ऊपर बहुत सारे काम कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, अब बस डिवाइन की गाइडेंस को वेट करके बैठे हैं कि कब आपका वो डिवाइनल टाइमिंग आएगा, कब आपका डिवाइन मास्कुलिन आपको उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट करेगा। तो आप लोगों के लिए छोटा सा गाइडेंस है कि आपको अपनी जो क्राउन चक्र है ना, उससे पूरी तरह हील करना है, उसे पूरी तरह बैलेंस करना है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी सेवन चक्रा की जो एनर्जी है, उसको पूरी तरह डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लाना है, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों की सेपरेशन हो जाता है, तो उस सेपरेशन के टाइम जब आप अपना इनोवा कर करके पूरी तरह थक जाते हो, तो उसी टाइम क्या होता है कि आप अपनी खुद की जो इंट्यूशन है ना, उसे इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो एक बार अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके अपनी जो लॉजिक है, आप अपनी लॉजिक को लगाते हो ना, तो आपका जो इंट्यूशन होता है ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है। आपको इंट्यूशन आना बंद हो जाता है, आप डिवाइनल जो डाउनलोड है ना, उसे रिसीव नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसलिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं और आप इनोवा कर करके पूरी तरह थक जाते हो, बट आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलती है कि आगे क्या होने वाला है, आगे आपको कौन से रास्ते पर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, आपको अपनी क्राउन चक्रा को और थर्ड आई चक्रा, सबसे पहले तो इन दोनों चक्रा को आपको पूरी तरह बैलेंस करना है, पूरी तरह हील करना है, तभी जाके आपकी जो एनर्जी है, मतलब सेवन चक्र की जो एनर्जी है, ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आएगी, ठीक है। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनेंस एंड डिवाइन मास्कुलिन मुझे सेशन में पूछा था कि मैम, हमने तो इतने सारे काम किया है अपने ऊपर, तो अब यूनियन कब होगा। देखिए गाइस, यूनियन कब होगा, आप लोगों को मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि आगे जो 2025 आ रही है ना, ये एक मासिव यूनियन का टाइम है, ठीक है। तो जो भी लोग अभी मतलब कोई भी डाउट नहीं कर रहे हैं, बस अपना इनोवा करते जा रहे हैं, डिवाइन के ऊपर पूरी तरह बिलीव करके इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आप लोगों की यूनियन 2025 से लेके 2026 इस
टाइमिंग में होने वाली है, ठीक है। तो आपको और क्वेश्चन नहीं पूछना है कि कब आपकी यूनियन होगी, ठीक है। जब आप बार बार वही एक सवाल को करते हो ना, तो आपके मन में और भी ज़्यादा डाउट्स आने लगती है, ठीक है। क्योंकि आप जब इतने सारे सवाल करते हो तो कहीं ना कहीं आप अंदर से श्योर नहीं होते हो कि सच में आपकी यूनियन होगी भी या नहीं, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल के साथ उतना कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, ओके। इसलिए आपके माइंड में इतने सारे सवाल आते हैं कि कब मेरी यूनियन होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ डिसकनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। इसलिए ही आप इस 3D में आपकी ट्विन के साथ कनेक्शन को फील नहीं करते हो, ठीक है। तो आप जितना हो सके ना अपनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीखिए, मतलब अपनी ट्विन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीखिए, तभी जाके आपको अंदर से गाइडेंस आएगी कि आपकी यूनियन कब होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी जो यूनियन है ये पूरी तरह डिपेंडेंट है आपकी इनोवा के ऊपर, ओके। तो जो भी फेमिनिन्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अपनी पेशेंस को ऐसे प्रैक्टिस करना है, अपनी भरोसा को ऐसे स्ट्रांग बनाना है कि अगर आपको इस 3D में कोई बोले कि आपकी यूनियन नहीं होने वाली है तो भी आपकी भरोसा डगमगानी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आपकी यूनियन पक्का होगी, बट कब होगी ये डिवाइन का काम है, ठीक है। तो आप पेशेंस को प्रैक्टिस करिए, ओके। आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप सेपरेशन में है या फिर अगर आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आप पेशेंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को इस तरह से कंट्रोल करके रखिए कि इस 3D में कोई भी एक्टिविटी आपकी पर्सन को ना दिखे आपकी तरफ से, ठीक है। तभी जाकर आपका पर्सन आपके लिए उतनी जल्दी एक्शन लेगा, ठीक है। आप अगर इस 3D में कोई एक्टिविटी उन्हें दिखा रहे हो या फिर अपनी एनर्जी को उन्हें भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी जो एक्शन की जो मोड है ना, उस मोड को आप स्लो करते जा रहे हो, ठीक है। इसलिए आप अगर यही चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए कोई एक्शन ले और इस 3D में आप दोनों जल्दी से यूनियन में आ जाए, तो आप पेशेंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मुझे पता है पेशेंस को प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है, बट आप जब डेली इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें माहिर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हाईली अवकेंट है, मैं मेरी बात बोल रही हूँ, मतलब मैं जब मेरी जर्नी की स्टार्टिंग में थी ना, तो उसी टाइम मतलब एक दिन अगर मैं मेरी मास्कुलिन से बात नहीं करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ, ओके। बट ऐसा सिचुएशन आया कि हमें मतलब 1 साल 2 साल ऐसे मतलब सेपरेशन में रहना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। तो मैं मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अगर साइलेंट हो गए हैं, आप दोनों को अगर साइलेंट जोन में रखा गया है ना, तो आपको कोई भी एक्टिविटीज़ उनको नहीं दिखाना है, ठीक है। आप अगर अपने आपको पूरी तरह साइलेंट कर लोगे ना, तो आपका पर्सन देखोगे वो सडनली एक्शन में आ जाएगा, एक्शन की मोड में वो आ जाएगा, ठीक है। वो कोई ना कोई एक्शन आपके लिए ज़रूर लेगा, ठीक है। बट अगर आप बीच में उन्हें कोई कॉल या फिर उन्हें कोई मैसेज कर देते हो ना, तो आप भूल जाए कि वो पर्सन उनकी तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, ओके। मैं इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, ओके। चलिए गाइस, ये तो थी डिवाइन फेमिनेंस की कुछ एनर्जी एंड आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। अब देख लेते हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी क्या है। देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग तो चल रही है, मैं बहुत पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। एंड साथ साथ वो अपनी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, अपनी फैमिली में जो भी इशूज चल रहे हैं ना, उसको सर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइन मास्कुलिन है जो अपनी कैरियर को अब सही करने में लगे हुए हैं, ओके। क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, ये अभी इम्बैलेंस है, ठीक है। वो अपनी कैरियर में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। अपनी फाइनेंस को वो सही करने में लगे हुए हैं, ओके। इसलिए वो आप और उनकी जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है ना, इसको वो अभी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही उनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाएगी, जैसे ही वो कहीं पे स्टेबल हो जाएंगे उनकी करियर में, एंड उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, वो जब सट आउट हो जाएगी ना, तो आप खुद देखोगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे सेशन लिया है, एंड जितने भी सारे डिवाइन मास्कुलिन के साथ मेरी बात हुई थी ना, उनका
बस यही प्रॉब्लम है कि मैम अब हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली में इशू चल रही है, मैं कैरियर में सेटल नहीं हुई हूँ, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये भी स्टेबल नहीं है, बट जैसे ये सब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद मैं पक्का एक्शन लूँगा, ठीक है। तो आप लोग आपकी डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करिए कि आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन हुई है, इस सेपरेशन में वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं या फिर वो आपको पूरी तरह भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, ठीक है। देखिए गाइज, जो भी डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनके साथ मेरी जो भी बातें हुई थी उन रिकॉर्डिंग को मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मना किया है कि मैम अभी हमारी असेंशन प्रोसेस में है, हमारी अवेकनिंग चल रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो स्टोरी है ये अब भी दुनिया के सामने आए, ठीक है। क्योंकि वो लोग खुद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही वो पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे उसके बाद उन लोगों ने कहा कि मैम हम खुद हमारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे डाउट मत करिए कि डिवाइन मास्कुलिन सेपरेशन के टाइम थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर आपको पूरी तरह भूल चुके होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। एंड गाइज, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अभी इस जर्नी को, इस कनेक्शन को अच्छे से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये जो एनर्जी है ये मुझे कल एक चैनल सॉन्ग के थ्रू रिसीव हुआ था, जो सॉन्ग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुनिए, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइन आपके साथ ज़रूर रिजोनेट कर जाएगी, ओके। सो गाइज, यही है फिलहाल आप और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, या फिर इस न्यू मून के बाद आप इस तरह की एनर्जी पोर्टल में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को आप लोग आपकी मर्जी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आपकी जर्नी में आगे बढ़िए और ऐसे ही डिवाइन का काम करते रहिए, ठीक है। सो लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।